આગાઠિયા કાસો તો બહાર ના ભૂલી જશો. એસા મેરા બહુ બનાતી બનાતી એકદમ મસ્ત થયા છે. आज मम्मी माखनियाँ गाठियाँ बनाने वाले हैं, तो सभी चीज़ें निकाल कर रखी है. तो यहाँ पर आधा किलो बेसन लिया है, एक टीस्पून पापड़ खार, दो टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, एक टीस्पून अजवाइन और एक टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है. अब इसके साथ और क्या लेना होगा? डेढ़ कप तेल डेढ़ कप तेल और डेढ़ कप पानी डालना है इसमें डालने का है. साथ में डेढ़ कप पानी और कप भी हम जो चाय के लिए यूज करते हैं वही लेना स्टील का. बीच में एक पापड़ खार और नमक डाल देने का. अब इसे ग्राइंड करना होगा. तो ये तेल पानी और पापड़ खार वाला मिक्सचर रेडी है. तो यहाँ पर तेल पापड़ खार और नमक पानी वाला मिक्सचर रेडी कर लिया है. अब बेसन के साथ काली मिर्च और अजवाइन ऐड कर देंगे. सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे. सब पानी डाल देंगे, जितना पानी बनाया है वो सब ऐड कर देने का है. माखनियां गाठियां बन रहे हैं ना. ये इस तरह से स्पैचुला या फिर चम्मच से ही मिक्स करने का, नहीं तो हाथ में बहुत चिपकता है बेसन. हो गया ना मम्मी डो? कलर चेंज हो गया क्या? अब मम्मी ने सिखाया है तो मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ मेरे से हो रहा है कि नहीं. मेहनत वाला काम है. आज सास बहू और बेटी तीनों किचन में है. यहाँ पे साजिश चल रही है. तो यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो. ये पूरा व्हाइट हो गया है, फ्लफी हो गया है. इस तरह का गाठिया बनाना हो तो दो तीन जन की जरूरत पड़ेगी. इजी नहीं होते ये गाठिया बनाना. लगता है बहुत अच्छा. एक मसलने के लिए चाहिए, एक फ्राई करने के लिए, एक पकड़ने के लिए. मेरे को तो मेरी बहू का बने हुए गाठे मुझे अच्छा लगता है. बाजार का नहीं पाता.
ये आपको बहू ने सिखाया है लगता हाँ, है। बहू ने सिखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि बहू ने सास को कुछ सिखाया है। लेकिन बोली यार तो कितने टाइम से गाठिया नहीं बनाया, तो बहू ने बोला आप ही बनाओ आज सीखो कैसा बनता है कैसे बनता है मालूम पड़े ना। चलो बहू की बारी है फिर बेटी की बारी भी आएगी। उबर एक हूँ करी जो बच्चे काम करा। सबको हाथ आजमाने का मौका मिलेगा आज। आज भाभी से सीखा है मैंने और मम्मी ने दोनों ने, तो आज दोनों ट्राई करेंगे। ध्यान से करना पड़ता है, इसमें दो जन चाहिए, अकेले कभी मत करना ये काम। पढ़ाई भूलेगा तो सब वाह। यस मैंने कर दिखाया। मैंने तो सबसे ज्यादा गिरा है। तुम लोग तो मैं रसोई करते हैं हर दिन। मैंने तो आज ठीक है 24-25 साल से रसोई नहीं बनाया। हाँ किचन में ही नहीं आई हूँ। ऐसा कुछ नया बनाना हो तो आती। अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, क्या बनाना हो, 25 साल से किचन में आई नहीं। हाथी पे किलो ही हुआ था। फाइनली अब एक्सपर्ट की बारी आ गई है। क्योंकि भाभी से अच्छे गाठिया किसी के नहीं बनते। काफी प्रैक्टिस है मम्मी को। हाँ बार बार बनाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। मेरे जैसे पहली बार बनाएंगे तो पक्का हाथ कढ़ाई में जाएगा डायरेक्ट। काम ही नहीं है तेरा। सबसे जरूरी काम मसलना है। अगर ठीक से मसलोगे नहीं तो गाठिया सॉफ्ट और जालीदार नहीं बनेगा। क्योंकि माखन या गाठिया है तो मक्खन की तरह सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट एंड सिल्की। वाकई में ये वाले गाठिया काफी सॉफ्ट होता है। आप ये खाओगे तो बाहर से नहीं लाएंगे। आ गाठिया खासो तो बाहर ना भूल जाओ। ऐसा मेरा बहू बनाती है। एकदम मस्त है।